पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता और संदेशखाली कांड का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार हो गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी उत्तर 24 परगना मीनाखान इलाके से हुई है। करीब 55 दिन से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस उसे लेकर सुबह करीब 5 बजे बसीरहाट पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची। शाहजहां शेख को अब कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है शाहजहां शेख और क्या है पूरा मामला। शाहजहां शेख टीएमसी का प्रभावशाली नेता माना जाता है। उसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी करीबी माना जाता है। शाहजहां शेख संदेशखाली में टीएमसी का अध्यक्ष भी रह चुका है। इसका नाम सबसे पहले जनवरी में चर्चा में आया था, जब ईडी की टीम राशन वितरण घोटाला मामले में पूछताछ के लिए पश्चिम बंगाल पहुंची थी। इस दौरान शाहजहां शेख के गुर्गों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। ईडी ने शाहजहां शेख के खिलाफ समन जारी किया था। उसके खिलाफ महिलाओं ने जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। 5 जनवरी के बाद से ही संदेशखाली में उसकी गिरफ्तारी को लेकर बवाल हो रहा था। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर दावा किया है कि पुलिस ने देर रात 12 बजे शाहजहां शेख को हिरासत में ले लिया। कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर पुलिस ने इस मामले में समझौता किया है और शेख को बरमाजूर ग्राम पंचायत से ले जाया गया। शेख को पुलिस और न्यायिक हिरासत के दौरान कई सुविधाएं दी जा रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि शाहजहां शेख को हिरासत में 5 सितारा होटल वाली सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और उसे एक मोबाइल फोन भी दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वह टीएमसी के नेताओं से संपर्क कर सकेगा। और तो और शेख को वन वार्ड यानी सरकारी SSKM अस्पताल में एक बिस्तर भी उपलब्ध कराया जाएगा। अगर वह वहां कुछ समय बिताना चाहे तो बिता सकता है। इस दौरान बंगाल के गवर्नर ने क्या कुछ कहा है सुनिए। So I told you there will be light at the end of the tunnel. That is democracy. We waited, but the deed has been done. This is a lesson to everyone. Now let's hope new dawn of lawfulness will come back to Bengal. Long demand, your deadline. Today is the end of the deadline. The 72-hour deadline was there. So they match the deadline of yours. I'm glad that good things are happening. क्या है हाई कोर्ट का आदेश? बुधवार यानी 28 फरवरी को ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि संदेशखाली मामले में शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस के अलावा सीबीआई और ईडी भी गिरफ्तार कर सकती है। कोर्ट पहले ही शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर चुकी है। इसकी गिरफ्तारी के लिए विपक्ष लगातार ममता सरकार पर दबाव बना रहा था। तो ये थी शाहजहां शेख से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।